हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम मेटा इनवर्स सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आज हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का। पिछले वीडियो में हमने इवेपोरेशन से रिलेटेड बातें करनी थी कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक, हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कोई लिक्विड स्टेट होती है, मैटर की लिक्विड स्टेट होती है जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिक्विड स्टेट जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उस फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तब इस वीडियो को देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब मैटर अपनी स्टेट कन्वर्ट करता है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है, तो क्या होता है, वो कहीं से भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है। अब ये वाली चीज मैं पिछले लेटेंट हीट की वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी मैटर अपनी स्टेट कन्वर्ट करता है तो उसे लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो हीट लेटेंट हीट दी जाती है। और जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट से, तब उस दौरान जो हीट दी जाती है उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना दैट व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इट रिक्वायर्स अ लेटेंट हीट फ्रॉम एनथी के टच। मतलब जो भी चीज उसके कॉन्टेक्ट में आएगी उसी से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा। यहाँ आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये टॉपिक आपके और ज्यादा अच्छे समझ में आया कि इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग किस तरह से होती है, समझिएगा। तो जनरली आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे हम अपने हाथ पर कभी भी कोई पेट्रोल वगैरह डालते हैं, हाँ देखा होगा, इसका फर्स्ट एग्जांपल है। मैंने एग्जांपल नोट भी कर दिया, आप नोट्स में इसे नोट करते रहिएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। क्या होता है, जैसे कि कभी भी हैंड होता है ना, हमारा हैंड, मैंने माना ये हैंड है किसी का, जब हम अपने हाथ पर पेट्रोल का कोई बूंद वगैरह डालते हैं और उसे जैसे कि हवा में, जैसे थोड़ी देर में देखते हैं कि पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है हवा में, बट हमारे हाथ पे ठंडा ठंडा फील आता है, वो चीज क्या है। तो उसमें कुछ सिंपल सा एक लेटेंट, जो लेटेंट हीट वाली मैंने जो बात बताई थी वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है क्या है, जैसे भी हाथ पर जब पेट्रोल जो हवा में उड़ जाता है तो क्या होता है, जो रिक्वायर्ड लेटेंट हीट उसे चाहिए होती है इवेपोरेट होने के लिए, क्योंकि लिक्विड स्टेट में था। अब लिक्विड स्टेट में वेपर में जाने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे हाथ से ले लेता है। अब जब हाथ से ले लेता है तो हमारे हाथ में हीट की कमी हो जाती है, इससे हमारा हाथ जो होता है वो ठंडा ठंडा फील करता है, और ये जो होते हैं पेट्रोल वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इवेपोरेशन हुआ और दूसरा क्या हुआ, कूलिंग हुआ, हमारा हाथ को ठंडा फील आया, और इवेपोरेशन इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का हो चुका, मतलब पेट्रोल लिक्विड में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ठंडा ठंडा कूल हमारे हाथ को फील आया। इसका मतलब यह है कि इवेपोरेशन का कंसेप्ट क्या है, कूलिंग से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम रखा है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक, कूलिंग किस तरह से हुई, तो ये एग्जांपल है यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है, इफ वी पुट अ स्पिरिट पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड द स्पिरिट इवेपोरेट रैपिडली एंड आवर हैंड फील कूल बिकॉज इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या होता है, जनरली हमने ये देखा होगा कि गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, गर्मियों के दिन, सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक, आपको सिर्फ समझना है। क्या होता है, मटके में पानी भर के रख देते हैं, ये मटका होता है, मटका, उसमें क्या होता है, पानी को ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं। तो जब पानी को ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं, ठंडा कैसे होता है पानी, समझिएगा, इसमें बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे छेद दिखाई नहीं देते। तो ये क्या होता है, पानी इनके थ्रू इवेपोरेट होने, कुछ पानी जो होता है वो इसके थ्रू इवेपोरेट होता है। अब इवेपोरेट होने के लिए क्या होगा, लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, पूरा पानी इवेपोरेट नहीं होता, कुछ कुछ होता है, तो जो पानी इवेपोरेट हो रहा होता है उसके लिए रिक्वायर जो लेटेंट हीट होती है, जो लेटेंट हीट होती है रिक्वायर्ड, वो इन मटके से, इस मटके के थ्रू ले लेता है, और इस मटके के थ्रू तो लेटेंट हीट लेता ही लेता है पानी, दूसरा जो रिमेनिंग पानी जो होता है, बचा हुआ वाटर जो होता है, उसके थ्रू लेटेंट हीट ले लेता है। अब जो पानी वाटर में कन्वर्ट हुआ, समझिएगा, जो पानी वाटर में कन्वर्ट हो गया उसमें तो लेटेंट हीट, सॉरी, जो पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ
उसने तो लेटेंट हीट किधर से ली, एक तो मटके से ली और दूसरा जो उसके अंदर पानी भरा हुआ था रिमेनिंग बचा हुआ पानी उससे ले ली। अब जब बचे हुए पानी की लेटेंट हीट गई तो उससे तो हीट निकल गई, अब जब हीट निकली तो पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। क्लियर है? तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये भी इवेपोरेशन की वजह से ही यहाँ पर कूलिंग हुई है, तो इसीलिए ये भी कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन में आ गया। ठीक, नॉर्मली एक दो एग्जाम्पल मैं और बढ़िया इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको क्या होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप ठीक समझिएगा क्या होता है। समझिए, हमने ये देखा होगा कि जो कभी गांव वगैरह होते हैं या फिर जनरली गांव में क्या शहर में भी होता है ये चीज, कि आपने देखा पानी वगैरह डालते हैं गर्मियों के दिनों में किसी भी अपने आंगन वगैरह में पानी वगैरह डालते हैं ताकि ठंडक हो जाए। उस चीज में फिनोमेना कूलिंग का ही लगता है, इवेपोरेशन के थ्रू ही कूलिंग कूलिंग होती है। किस तरह से होती है समझते हैं, ये होता ये है कि जैसे ही पानी डाला जाता है, जैसे ही पानी डाला जाता है क्या होता है, पानी इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। ठीक, अब इवेपोरेट जब होगा, धरती पर पानी डाला मतलब आंगन में पानी डाला, पानी इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, आपने यहां पे पानी डाला, पानी क्या रहेगा, इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा। अब जब पानी को इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है तो लेटेंट हीट कहां लेगा, उस एरिया से ले लेगा, उतने जमीन के उतने हिस्से से वो लेटेंट हीट ले लेगा, उस हिस्से से लेटेंट हीट ले लेगा जिसमें पानी डाला गया है, और उतने हिस्से से वो लेटेंट हीट लेगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जमीन से लेटेंट हीट खींच लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जमीन ठंडी पड़ जाएगी क्योंकि हीट निकल जाएगी। क्लियर है? तो ये भी एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था इस चीज का। आइए आप देखते हैं जरा, यहां से ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट जो मैंने लगाया बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी नोटेड दैट द वॉटर ऑन द अर्थ डज नॉट गेट इवेपोरेटेड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। समझिए, पानी जो होता है पूरी पृथ्वी पर पानी होता है वो क्यों नहीं इवेपोरेट होता है, क्योंकि उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन की वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन चाहिए उतने पूरे पानी को इवेपोरेट करने के लिए। इस वजह से अर्थ का पानी कभी भी इवेपोरेट नहीं होता। क्लियर है? एक चीज हमने जनरली ये वाली भी देखी होगी कि क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्लियर है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा स्वेट होता है, स्वेट समझ रहे, पसीना आता है। तो पसीना जैसे ही सूख जाता है तो हमारी बॉडी ठंडा फील करती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है बॉडी का, स्वेट ग्लैंड जहां से पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना रिलीज करता है। क्लियर है? अब जब पसीना बहुत ज्यादा रिलीज करता है तो बॉडी में पसीना आता है। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे ही पसीना सूखता है तो पसीना पानी है, लिक्विड स्टेट है मैटर का, उसे वेपर में जाने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत है। लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से लेता है। अब जब बॉडी से लेटेंट हीट लेता है तो बॉडी हमारी कूल फील करने लगती है क्योंकि बॉडी से हीट गई। यहां पर क्या हुआ, पसीने का इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, और लेटेंट हीट हमारी बॉडी से ली और हमारी बॉडी ठंडी पड़ी, इसका मतलब कूलिंग हुई और इवेपोरेशन हुई और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग। क्लियर है? देख लीजिएगा, ऑन अ हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइजेस आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज टू मच। गर्मियों के दिनों में भी ऐसा होता है, आवर स्वेट ग्लैंड गिव्स आवर आउट मॉइस्चर। यहाँ लिखा हुआ है सब बातें, आप नोट भी कर लेना साथ साथ। स्वेट ऑन अवर स्किन, व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम आवर बॉडी, दिस गिव्स अवर। ठीक, अब आपने ये भी चीज देखी होगी कि गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। मेरी आवाज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक, कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं कॉटन के पहनते हैं, सर्दियों में तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन के पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्या होता है, पसीना जल्दी सोख लेता है। ठीक, हमने क्या किया पसीना जल्दी उसने सोख लेता है कॉटन, तो हम जब गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी से जैसे कि स्वेट रिलीज होता है तो वो क्या करता है, कॉटन सोख लेता है। ठीक, अब जब इस स्वेट का वेपराइजेशन होता है तो क्या होगा, वेपराइजेशन क्या होगा, लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट क्या लेगा, हमारी बॉडी से। क्लियर है? ये होता है, कॉटन का रोल सिर्फ इतना रहता है कि वो स्वेट को जल्दी से सोखता है। अब जल्दी से सोखने का मतलब क्या है, उसको जल्दी इवेपोरेट कर देता है। क्लियर है? तो ये इसीलिए हम उसको कॉटन के यहाँ पर कपड़े पहनते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि उसकी जो वेपराइजेशन जो होता है स्वेट का, कॉटन की वजह से जल्दी हो जाता है। ठीक,
वी शुड वियर कॉटन क्लोथ इन हॉट समर डेज. दिस इज बिकॉज द कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट एंड इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस इट टू द एयर. समझ रहे हैं, हमारी बॉडी से स्वेट को निकाल करके एयर में एक्सपोज कर देता है, बाहर कर देता है. मतलब एयर में एक्सपोज करने मतलब क्या, वेपराइजेशन होता है किसका, स्वेट का. अब जो स्वेट का वेपराइजेशन होगा तो हीट कहां से लेगा हमारी बॉडी से. क्लियर है, देते हैं एयर फॉर इवेपोरेशन. दिस इवेपोरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल अवर बॉडी. ठीक, तो हमारी इवेपोरेशन की वजह से भी हमारी बॉडी यहाँ पर कूल होती है. ठीक, अब आइए, फैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी. हम पंखे वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, फैन जो होता है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देता है. इवेपोरेशन तेजी से होता है. ठीक, हमारी बॉडी से स्वेट का जो इवेपोरेशन होता है वो तेजी से होता है. ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं जरा. इट इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी. अब एक चीज हमने यह वाला देखना, आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये, कि जब हम हॉट टी जब होती है तो चाय हम पीते हैं, एक होता है कप, कप में लेते हैं चाय. ठीक, दूसरा होता है कभी छोटे बच्चे होते हैं वो बाउल में हम पिलाते हैं, ये कहते हैं बाउल में पी लो ना. क्यों, क्योंकि बाउल का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन होगा वो तेजी से होगा. अब जब इवेपोरेशन जब तेजी से होगा तो क्या होगा, चाहे ठंडी जल्दी पड़ जाए, तेजी से इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, ये बाउल से हीट ले लेगा. अभी मतलब लेटेंट हीट जो चाहिए, अब जब इवेपोरेशन से इसको लेटेंट हीट मिल जाएगी, ये इवेपोरेट हो जाएगा लिक्विड, चाय है जो इवेपोरेट हो जाएगी. इवेपोरेट होगी मतलब क्या, ठंडी हो जाएगी. क्लियर है, ना कूलिंग हो जाएगी. तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. हमने ये वाली चीज पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि जो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है. ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से इवेपोरेशन होगा. तो यहाँ जो कप का केस है, कप के केसेस में क्या होता है, इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम है तो इसलिए इवेपोरेशन धीरे होगा. यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है बाउल में, तो इसलिए इसका इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन तेजी से होगा. तो यही एग्जाम्पल है इसका. फास्टर, इट इज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम द सॉसर फ्रॉम अ कप ड्यू टू अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सॉसर, इवेपोरेशन इज फास्टर. क्लियर है, तो यही सारी बातें थी इस लेक्चर के अंदर. आई होप इस लेक्चर से काफी से एग्जाम्पल्स जो है आपको समझ में आएंगे. नॉर्मली इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेता है. ठीक है ना, तो आप ये देखिएगा मेरी वॉइस को सुनने की कोशिश करिएगा आप ध्यान से, तो ये सब चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है ना, और यहाँ पे नोट्स भी आप देख लीजिए, मैंने लगा दिए हैं आपके लिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से पॉज करके. ये देख लीजिए पूरे कि इसका एग्जाम्पल जो है वो आपके समझ में आ तो जाएंगे, पर आप नोट भी कर लीजिएगा. ठीक है, और अब नोट हो जाएगा. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इज मैटर अराउंड प्योर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर के बारे में सारी बातें होंगी. ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.